नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हील्स पर के बारे में, यानी कि जो हील आपके नीचे पैर की एड़ियाँ हैं उसकी जो हड्डी बढ़ जाती है उसके बारे में। बहुत ज़्यादा दोस्तों कॉमनली आजकल देखने को मिलने लग गई है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बहुत देर तक बैठे रहना या खड़े रहने का होता है, या फिर शूज़ बहुत डिफ़िकल्ट पहनते हैं। तो आज सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हील्स पर के, साथ ही कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी इस परेशानी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हील्स पर यानी कि हड्डी बढ़ने की समस्या के बारे में। दोस्तों ये समस्या आपके पैर के नीचे की जो हड्डी है जिसे हम हील बोलते हैं, वहाँ पे जब कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और वो लगभग थोड़ा सा आधा इंच या थोड़ा सा डिपॉजिट हो जाता है, उसके बनने के बाद से ये समस्या बढ़नी शुरू होती है। ये समस्या दोस्तों आपको कभी भी एक दिन में नहीं शुरू होगी, ये धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ती है शरीर में, लगभग महीनों लग जाते हैं उसको डिपॉजिट होने में, और जब वो डिपॉजिट हो जाता है देन आपको ये बहुत सीवियरिटी के साथ पेन करता है। तो कभी भी आपको हील्स पर की परेशानी एक दिन में नहीं शुरू होगी, आपको धीरे धीरे से ही महसूस होनी शुरू होगी। कभी कभी जो हील्स पर है वो जो प्लांटर फेशिया है आपकी, जो एक आपके बोल लें जो आपके नीचे पैर की लिगामेंट्स हैं या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको प्लांटर फेशियसिस बोलते हैं, उसमें उसके साथ साथ मिलने लगता है, क्योंकि आपकी वहाँ की जो मसल्स हैं जो टेंडन्स हैं उनमें भी स्वेलिंग आ गई है, साथ ही आपको हील्स पर भी है, और कभी सिर्फ हील्स पर मिलता है प्लांटर फेशियसिस नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर इनके कारणों की हम बात करें कि क्या कारण इनके पीछे होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है दोस्तों कि यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है। कैल्शियम डिपोजिशन क्यों हो रहा है? आप बहुत जैसे लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं, या आप अनकॉन्शियसली आप अपने एक पैर पे ज़्यादा वजन देते हैं दूसरे पे कम देते हैं, जब चलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आप मूवमेंट एक्टिविटी आपकी प्रॉपर नहीं है, आप एक पैर पे ज़्यादा एग्जर्शन देते हुए चलते हैं, ओबेसिटी है आपके अंदर तो भी आपको ये चांसेस हैं, आप रिस्क में आ जाते हैं कि आपको ये हो सकता है। डायबिटिक पर्सन में भी देखा गया है कि हील्स पर बनने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग करते हैं, वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे स्पेशली ये चीज़ें देखी गई कि एथलीट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या आप जो शूज़ पहनते हैं वो बहुत पुअरली फिटेड है, या तो बहुत ज़्यादा टाइट है या लूज़ है, इस सिचुएशन में भी देखने को मिलती है। एजिंग फैक्टर में भी देखने को मिलती है कि ओल्ड एज आते आते भी ये देखा गया है कि हील्स प्योर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसल्स की जो है वो कम हो जाते हैं, साथ ही यूरिक एसिड जिनको बढ़ता है उनमें भी देखा गया है कि वहाँ पे जाके कुछ जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो भी डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो उनमें भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये यूजुअल कॉजेज़ देखने को मिले हैं हील्स पर के। साथ ही आप ये अगर बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइजेस भी आप करते हैं, बहुत एक्सर्शनल गतें आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हुई हैं, इसलिए मैंने आपको आगे बताया था कि ये एथलीट्स जो हैं उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये बेसिक कारण है दोस्तों जिनके वजह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको या तो आप रिस्क फैक्टर में है, लाइक जो ओबेसिटी या शुगर पेशेंट एंड ऑल दिस फैक्टर में है, या फिर ये कारण आपके पीछे हो सकते हैं हील्स पर होने के। लक्षणों की अगर हम बात करें दोस्तों, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेन। अनबियरेबल पेन होने लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है बिल्कुल कोई पैरों के नीचे से चाकू घोंप रहा है, एकदम पिंचिंग काइंड ऑफ पेन होता है, जैसे चुभन वाला दर्द है। स्पेशली जब आप बहुत देर तक कहीं या तो बैठ के उठ रहे हैं आपको तब बहुत ज़्यादा होगा, या मॉर्निंग में आप सो के उठे आपने पैर अपना ज़मीन में रखा और आपको बहुत तेज़ी से पैरों में दर्द हो, जब आप थोड़ा सा चल लेते हो तो धीरे 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 करके पेन जो पेन है उसमें रिलीफ मिलने लगे, लेकिन जो आपकी फर्स्ट स्टेपिंग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो तो भी ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, आपको कंटिन्यू पैरों में दर्द है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार एक्सरे जाके ज़रूर कराएं। एंकल जॉइंट के पास का आपको एक्सरे कराना है, एपिलेटरल कराएं,
तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको हील स्पर की प्रॉब्लम है कि नहीं है। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मे बी किसी अन्य कारणों की वजह से भी, क्योंकि ऑर्थराइटिस केसेस में भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, या फिर आपको कहीं जो आपकी वहाँ के लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनमें कोई दिक्कत है, उसके वजह से भी हो सकता है। तो एक बार आप कंफर्म करा लें एक्सरे करवा के, अगर आपको हील स्पर निकलता है देन आप मेडिसिन ज़रूर शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में बात करना। तो सबसे पहले हमें ऐसी दवाएं लेनी है दोस्तों जो उस हड्डी को वहाँ से गलाए, ताकि वो नॉर्मल होगी और आपको दर्द में आराम मिलेगा। तो दो ऐसी दोस्तों ट्राइचुरेशन आपको यूज़ करने हैं जो स्पेशली किसी चीज़ को डिसॉल्व करने में हेल्प करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है थियोसिनामिन 3x पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है दोस्तों, दो दो टैबलेट दिन में 3 बार, और आपको हेक्ला लावा 3x पोटेंसी में यूज़ करना है, दो दो टैबलेट दिन में 3 बार। ये दोनों ही आपको ट्राइचुरेशन में ही लेनी है, इसकी डाइल्यूशन पे मत जाएं। पहले आपको इसको ट्राइचुरेशन फॉर्म में लेना है, लोअर पोटेंसी ही आपकी इतनी कैपेबल होगी कि आपकी उस हड्डी को गला सके। नेक्स्ट आपको लेनी है एक दोस्तों डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको रस्ट्रॉक्स 30, ब्रायडनिया 30 एंड रोडोडेंड्रॉन 30 और पल्सा तिला 30, ये 4 दवाओं को दोस्तों मिक्स करना है एक बॉटल में। तीन चारों की समान मात्राओं को मिक्स करें, चारों ही आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, और इनकी दोस्तों 5-5 बूंद, लगभग 1 चम्मच ऐसे पानी लें, उसमें इसकी 5 बूंद डाल दें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें। आपको ये दर्द में, बेसिकली ये मेडिसिन मैंने स्पेशली पेन के लिए दी हैं, तो ये दर्द को आराम करने में मदद करेंगी, और वो दोनों जो दवाएं हैं जो लोअर पोटेंसी में यूज़ हो रही, वो आपकी हड्डियों को गलाने में काम करेंगी, जो एक्स्ट्रा जम गई हैं उसको डिसॉल्व कर देगी। इस चीज़ को ये मत समझे, क्योंकि एक मेरे पेशेंट का क्वेश्चन आया था कि मैडम अगर उसकी टेंडेंसी ऐसी है तो क्या वो शरीर की हड्डियों को गलाने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टेंडेंसी वाली एरिया पे जाए जहाँ पे आपकी नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, उस एबनॉर्मल हील की जो बोन्स हैं उसको डिजॉल्व करने में ये मदद करेगा। तो इन तीनों दवाओं को लें, दवाओं को धीरे धीरे ही असर करना शुरू करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पेन ज़्यादा है। अगर ज़्यादा पेन है तो आप दिन में 2 बार गर्म पानी में नमक डालकर बैठ के सिकाई करें, सिकाई से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। जब साथ में आप दवा लेते रहेंगे और सिकाई करते रहें, तो विद इन अ फ्यू डेज आपके अंदर आपको खुद पेन में अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा, और आपको समझ में आने लगेगा कि जो गड़न जितनी इंटेंसिटी से हो रही थी अब उस गड़न में अंतर आ गया है। ये दवा दोस्तों आप कम से कम 2 से 3 महीने ज़रूर खाएं, और जब तक आपकी या तो दर्द में प्रॉपरली आपको आराम न मिल जाए तब तक आप इसको ज़रूर खाएं। ये हो गई दोस्तों क्यूरेटिव बातें। आप प्रिवेंशन के लिए ये मैं बताऊंगी कि कैल्शियम अगर आप अननेसेसरीली जो एलोपैथिक टैबलेट्स दी जाती हैं वो कभी कभी एक्सेसिव होने के बाद वो एक्यूमुलेट होने लग जाती है बॉडी में, तो अगर आप कोई ऐसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप उनको बहुत लंबे टाइम तक मत लें, स्पेशली जो ओरली बनाई जाती हैं। होम्योपैथिक वाली जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम बताते हैं वो बॉडी में आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती है, मींस आप जो फूड खा रहे हैं वो आपके डाइजेशन के थ्रू प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, वो एक्सटर्नली आपको कैल्शियम नहीं देते। बट अदर सोर्सेज से अगर आप कोई कैल्शियम ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके अंदर कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप उसको लंबे समय से ले रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी अधिकता होने की वजह से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, देन आप थोड़े से प्रोन हो जाते हैं कैल्शियम डिपॉजिशन के लिए। अगर आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उनको बंद कर दें, कम से कम 3-4 महीने बंद करें, देन आप वापस से ले सकते हैं। तो और अगर ले भी रहे हैं तो आप वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें, ताकि जितना भी एक्सेसिव है आपका कैल्शियम है या जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे यूरिक एसिड के इश्यूज से भी पेन होने लगता है, तो यूरेट अंदर डिसॉल्व हो के आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, वो शरीर के किसी पार्ट में डिपॉजिट ना होने पाए दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।